करते हैं उनके पास आ रहे हैं। जो कहते हैं ना सुखदेव सिंह जाट विरोधी है, सुखदेव सिंह क्या आपकी ऐसी की तैसी कराए, जाट सुखदेव सिंह को गाली दे, सुखदेव सिंह सुने, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पलाड़ा सरपंच महिला सरपंच है, मैंने किसी विधायक का नाम नहीं लिया। मैंने कहा था जो विधायक पलाड़ा सरपंच को सस्पेंड करवा रहा है, निलंबित करवा रहा है, वो आ जाए या उसके चमचे आ जाएं और सरपंच की तरफ आंख उठा करके देख ले तो आंख निकाल लूंगा, अगर उंगली करेंगे तो हाथ काट दूंगा। हाँ, वो महिला सरपंच है, काट दूंगा, अभी भी बोल रहा हूं और पहले भी काटी है। पता है ना ओ बड़ुओ, क्या तुम राजनीति करते हो, क्या राजनीति करते हो तुम? फिर कहते हो जातिवाद का जहर, ये ट्यूबलाइट जलाओ भैया, नीचे वाला बटन बीच वाला दबा। कहते हैं जातिवाद का जहर सुखदेव सिंह बोलता है, सुखदेव सिंह नहीं बोलता। अगर जातिवाद का जहर नहीं होता ना तो ये सरपंच राजपूत होने के कारण सस्पेंड हुई है। अगर ये सरपंच जाट होती तो सस्पेंड नहीं होती। और इस सरपंच ने कहा था, इस सरपंच ने कहा था कि मैं गांव के, मेरे गांव के लोगों ने आशीर्वाद दिया ना, उनके वोटों से जीती हूं, किसी के दबाव में काम नहीं करूंगी। इस सरपंच ने कहा था, रीना कंवर ने, पलाड़ा सरपंच रीना कंवर ने यह कहा था, किसी के दबाव में काम नहीं करूंगी, आप लोगों के कहने से अंगूठा नहीं लगाऊंगी, ग्रेजुएट हूं, पढ़ी लिखी हूं और ऊपर से छत्राणी हूं, मेरी खून में वो, मेरी रगों में वो खून है जिन्होंने हमारे समाज के लिए जब जब योद्धा लड़े हैं, सेनानी के रूप में, हंडी रानी के रूप में अपनी गर्दन तक सेनानी में दे दी थी। तो वो, ये वो छत्राणी है पलाड़ा सरपंच ग्राम पंचायत की, पलाड़ा ग्राम पंचायत के लोगों के लिए इसको एक बलिदान नहीं 100 बलिदान देने पड़े तो भी देगी, पर तुम्हारे सामने नहीं झुकेगी, याद रखना। और उस विधायक को चेतावनी देना चाहता हूं, और उस विधायक की तो औकात ही क्या है। मैं उप मुख्यमंत्री सचिन जी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, सचिन जी ये राजपूत समाज वही है जो कांग्रेस को लेकर के आया यहां, कोई ज्यादा अंतर से तुम लोग जीत करके नहीं आए हो, 2-2.5 लाख वोटों से जीत करके आए हो, राजस्थान में सरकार बनाई है और गहलोत साहब के साथ तुम्हारी लड़ाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों लड़ते रहो, जनता जनता भटकती रहेगी। हम तो गहलोत साहब को जननायक नेता मानते हैं, कांग्रेस की खीर नहीं खाई हम लोगों ने, ना बीजेपी की खीर खाई, उनको जननायक नेता मानते हैं। इसलिए गहलोत साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि आप खुद पलाड़ा सरपंच के मामले में हस्तक्षेप करके और उसको भाग करवाएं, नहीं तो ये मुहिम शुरू हो गई है कांग्रेस के खिलाफ राजपूत समाज की, ये सोच लेना, ये पलाड़ा सरपंच का एकले का मामला नहीं है, ये पूरे भारत के राजपूतों का मामला बना करके रख देगा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, ये सोच लेना आप। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जबान से बोलता है वो करता है। मैंने कोई विधायक किसी जाट का नाम नहीं लिया कि उसको जाट को काट दूंगा, और मुझे काटना होता तो नाम लेने की जरूरत नहीं, काट भी देता हूं, ठीक है ना। कोई लोग फोन कर रहे हैं, कोई पोस्ट डाल रहे हैं, अरे जातिवाद का जहर सुखदेव सिंह नहीं घोल रहा, तुम लोग घोल रहे हो। जब हनुमान बेनीवाल कह रहा है ये निलंबन गलत हुआ है, हनुमान बेनीवाल बोल रहा है ना ये निलंबन गलत हुआ है, तो तुम तो हनुमान बेनीवाल के एक नंबर के खास चमचे हो ना, करवाओ इसको बहाल, करवाओ इसको बहाल। तुम जातिवाद का जहर तो घोलते ही नहीं ना, जातिवाद का जहर तुम घोलते हो, अरे अहंकार, अहंकार और गरूर और ताकत का गलत इस्तेमाल रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे भी नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम? अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, सबको पता है आज राजस्थान के अंदर विलेन बनकर कौन जी रहा है और सर्व समाज की जातियों को कौन सता रहा है, सबको पता है इस बात का। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी समय समय पर लड़ता है और लड़ता रहेगा। दो जातियों के बीच में जहर घोलने वाले तुम लोग हो, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने पहले भी कहा था कि मेरे साथ गनमैन मेरे जाट समाज के रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर
देंगे, ऐसे कर देंगे, क्या कर दोगे तुम, क्या कर दोगे? ये पूरे समाज के लिए नहीं बोल रहा मैं, मैं उन चमचे दलालों के लिए बोल रहा हूं जो 10-15 फुदक रहे हैं, जो पोस्ट डाल रहे हैं। अरे तिलक निकाल करके जोहारी दिया करो मुझे, समझ गए ना, साड़े हो तुम मेरे, समझे? और नहीं पता तो किरण से पता कर लेना, वो डेली पोस्टें डालती है, वो किरण डेली पोस्टें डालती है, कहती है तुम सुखदेव सिंह के साड़े हो। जो 10-15 लोग है ना उनको कह रहा हूं मैं ये बात, पूरे समाज को नहीं बोल रहा, पूरे समाज के लोग मेरे साथ भी रहते हैं, जाट समाज के लोग मेरे साथ भी रहते हैं, मेरे गनमैन भी रहते हैं, मेरे भाई भी हैं, हमने धर्मे के भी कर रखे हैं, पर वो आप लोगों की तरह भड़वागिरी नहीं करते, जाति का जहर नहीं घोलते, समझे क्या? पलाड़ा सरपंच को बर्खास्त करवा करके तुम घी के दिए तसाओगे? घी के दिए तो जब लंका के ऊपर जीत करके राम आएगा ना उस दिन जलेंगे, और वो लंका तुम हो, तुम, तुम्हारे ऊपर जीत जिस दिन पलाड़ा सरपंच की होगी ना उस दिन घी के दिए सुखदेव सिंह जलवाएगा पूरे राजस्थान में, ये बात सोच लेना। इसके अलावा कुछ राजपूत भाइयों के मैंने कमेंट देखे, कुछ राजपूत भाइयों के मेरे पास फोन भी आए, मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि मैंने राजपूत के घर जन्म लिया है, मैं मानता हूं कि मैंने राजपूत के घर जन्म लिया है, अगर मेरा किसी मेघवाल के घर भी जन्म होता तो ये कर्म थे बेमाता के, मैंने राजपूत के घर जन्म लिया ये मेरे कर्म थे। मैं उन राजपूत भाइयों को बताना चाहता हूं ये बात, जो मैंने राजपूत के घर जन्म लिया ये मेरे कर्म थे, पर मैं राजपूत बनकर के नहीं जी सकता, मैं क्षत्रिय बनकर के जीऊंगा, और क्षत्रिय तब को पूरे भारत में कायम कर दिया और करके रहूंगा, मैं खाली राजपूत बन के नहीं जी सकता, मैं क्षत्रिय बन करके जीऊंगा, और क्षत्रिय का कर्म और धर्म और कर्तव्य होता है कि गरीब शोषित पीड़ित वर्ग को गले लगा करके चले, उसकी मदद करे, उसकी सहायता करे। उसी कड़ी में आज पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर हीरो हीरोइने जिनको तुम लोग पैसे दे दे करके सिनेमा हॉल में बैठ करके देखते हो ना, वो हीरो हीरोइने कह रही हैं करनी सेना बहुत बढ़िया काम कर रही है देश के अंदर, करनी सेना भूखों को खाना खिला रही है, बीमार को दवाई दिला रही है, और सूखा राशन दे रही है। अरे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे उन शूरवीरों को जो इस करनी सेना की नींव की ईंट है, जैसे गुजरात में राजशेखर जी जब से लॉकडाउन लगा है 5-7 हजार आदमियों को डेली खाना खिला रहे हैं, एक गांव में 200-250 बराती आ जाते ना तो हालत खराब हो जाती है। अरे राजशेखावत की हिम्मत देखो, 5-7 हजार लोगों को डेली खाना खिला रहा है, बिहार टीम खिला रही है, महाराष्ट्र टीम खिला रही है, तेलंगाना में खिलाया जा रहा है खाना करनी सैनिकों की तरफ से, सूरत के अंदर, अरे सूरत में देखो देवी पुत्र और मेरे भाई बजरंग सिंह जी कविया करनी माता मंदिर में और उनकी पूरी टीम करनी माता मंदिर में सूरत के अंदर डेली हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, भंडारा लगा रखा है और डिस्टेंस बना करके खाना खाते रहे लेते रहे। मां करनी के मंदिर में भंडारा खुला है सूरत में, कभी खत्म नहीं होगा, लाखों लोग खाना खाओगे ना तो भी भरा रहेगा। मैं मेरे भाई मेरे से बड़े मैं उनको धोख देता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और देवी पुत्र होने के नाते नमन करता हूं उनको, बजरंग सिंह जी कविया और उनकी टीम को कि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है खाने की, धन्य है, धन्य हो आप, मां करनी के वंशज हो आप। और इसके अलावा जो मुझे लोग राजपूत बनाना चाहते थे, बाबा साहब अंबेडकर की 14 अप्रैल को जानना चाहता हूं सभी करनी सैनिकों से कि आप दिन रात लगे रहें और उस हर गरीब मजलूम की सेवा करें जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकियां देते हैं,
ये मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 14 साल और 4 महीने का था ना, तब से ये धमकी आनी शुरू हुई थी। और आज उन बातों को 30 वर्ष बीत चुके हैं, 30 साल में मेरा कुछ नहीं उखाड़ सके ना, तो इनकी औकात नहीं मेरा कुछ उखाड़ सके, इनको मैं खुद देख लूंगा। इनके चक्रों में आप मत पड़ो, दो समाजों के बीच लड़ाई पैदा मत करो। अरे जब राजा सूरजमल की बात आई ना, वीर श्रोमणी राजा सूरजमल की बात आई, सबसे पहले सुखदेव सिंह आकर के खड़ा हुआ था, तुम जैसे बढ़वे ना बिलों में बढ़ गए थे, करते राजस्थान बंद किया तुमने, तुम लोग घरों में बैठ करके फेसबुक पर लाइव आकर के भौंक सकते हो, कुछ नहीं कर सकते ना तुमने। आज तक तुम्हारे समाज में गरीब लोग हैं, उनके लिए तुमने क्या किया बताओ? कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवा दी जाट समाज में तुमने? सुखदेव सिंह ने करवाई है, सर्व समाज की करवाई है। भादरा में, तारानगर में, चूरू में पता कर लेना, करीब सैकड़ों शादियां तो मैंने भादरा क्षेत्र में करवाई है। अरे राजपूत नहीं रहते वहां एससी एसटी के लोग रहते मेरे भाई, उनके लिए मैं मेरा एक एक खून का कतरा लगाने के लिए तैयार रहता हूं। एससी एसटी के किसी भाई पर हाथ आती है तो वहां समझे क्या? तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा मैं, जब तक मैं जीऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, ना किसी बहन बेटी पे तुम्हें हाथ डालने दूंगा, ना तुम्हें किसी गरीब की जमीन छीनने दूंगा, ना तुम्हें किसी गरीब को सताने दूंगा। कान खोल करके सुन लो, दो समाजों के बीच में जहर मत खोलो। तुम 15-20 ही लोगों ज्यादा नहीं हो, या तो एक दिन टाइम कर लो, 15-20 तुम एक साथ इकट्ठे होकर के आ जाओ और इस एक क्षत्रिय का सामना कर लो, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हारी औकात का तुम्हें, ठीक है ना? पूरे समाज में जहर मत खोलो, जातिवाद का जहर तुम घोलते हो। क्यों पलाना सरपंच को सस्पेंड किया राजपूत होने के कारण? क्यों, क्यों एक थाली बजाने के कारण मांडवा में मार दिया गया एक भाई को, राष्ट्र प्रेमी होने के कारण? अरे ये तो लॉकडाउन चल रहे हैं इसलिए, नहीं तो अब तक तो दो दो हाथ कर देते हम। इसलिए ये कहता हूं, औकात से बाहर मत आओ, और मैंने मेरी औकात दिखाई है, समय समय पर दिखाई है, और तुम लोगों ने देखी है। पूरे समाज में जहर मत खोलो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये लॉकडाउन है, घरों में रहें, दिन में 5-7 बार हाथ धोएं, डिस्टेंस बना करके रखें और सैनिटाइज इस्तेमाल करें और मास्क पहन करके, कोई जरूरी बहुत ही जरूरी कार्य हो तो बाहर निकले, वरना घर से बाहर मत निकले। ये भाला है ना, ये भाला महाराणा प्रताप जी का भाला है, ये जिसकी छाती में रुकता ना वहां संजीवन गुंटी भी काम नहीं करती, इस बात को ध्यान रख लेना। फिल्मी सीन नहीं है, फिल्म नहीं बना रहे हम कि 5-10-20 बट 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 गोली मारी और कैमरा हटाते झड़का के खड़े हो गए, फिल्मी सीन नहीं, ओरिजिनलिटी है यहां सारी, ओरिजिनलिटी। ये तो मुझे राजेंद्र सिंह जी गुड़ा काकोसा उनका, और आज हमारे बाबोसा मेरे साथ नहीं है, वो कुछ चमचाओं के कारण, चमचाओं ने उनको भड़का रखा है हमारे बाबोसा को, पर वो लोग मुझे लेकर के आए और कहा तू तेरी एनर्जी यहां इनके साथ लड़के वेस्ट कर रहा है, तू वो एनर्जी समाज को एक करने में और समाज का उत्थान करने में लगा। उस दिन से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, समाज के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे समाज को एक करने के लिए। लोग कहते थे अरे महाराणा प्रताप जी के समय एक नहीं हुए, तू क्या एक करेगा? मैं करके दिखाया हूं मैंने, और कर रहा हूं। जब चैलेंज किया था ना फारूक अब्दुल्ला ने, कहा था कोई माई का लाल है
भारत में जो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके, तो ये मां भारती का लाल ये गया था और तिरंगा फहरा करके आया था, नहीं फहराया था क्या? वही सुखदेव सिंह गोगा ने ली है ये परीक्षा, मत लो इसकी। तुम लोग मुझे इस मार्ग से भटका करके वापिस उसी मार्ग पर ले जाना चाहते हो। इतना सरल काम नहीं है। सत्यता पर चलता हूं और सत्यता के लिए प्राण दे भी सकता हूं तो ले भी सकता हूं, इस बात को ध्यान रखना। संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। एक बार बाबा साहब अंबेडकर की इसमें कोई गलती नहीं है।